विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकार का आखिरी बजट पेश करते हुए सौगातों का पिटारा खोल दिया। सीएम गहलोत ने महंगाई से राहत दिलाने के मकसद से कई ऐलान किए। उन्होंने 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली के साथ ही मुफ्त दाल, नमक, चीनी, तेल और मसाला देने वाली योजनाओं का भी ऐलान किया। सीएम ने राज्य के लिए निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना शुरू करने का भी ऐलान किया, जिससे 1 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। चलिए आपको बजट की कुछ खास बातें बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आखिरी बजट में राजस्थान को क्या क्या सौगात दिया है। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई से राहत दिलाने के लिए 19,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली की घोषणा की गई है। 1 करोड़ परिवारों के लिए अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना, पैकेट में 1-1 किलो दाल, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, मसाले दिए जाएंगे। 300 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है इस योजना पर। उज्ज्वला योजना से जुड़े 76 लाख परिवारों को LPG सिलेंडर के लिए प्रति परिवार को 500 रुपए की घोषणा की गई है बजट में। जयपुर में 300 करोड़ की लागत से APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी खोला जाएगा। नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए 35 करोड़ रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिससे युवाओं को राहत मिलेगी। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, जिससे खनन के कामों में आसानी होगी। जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी, जिससे गंभीर बीमारी से जूझ रहे गरीब जनों को राहत मिलेगी। वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए शेष जिलों में वेद विद्यालय खोले जाएंगे। बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाएगी। टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत हर साल 10,000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। छात्राओं के साथ साथ छात्रों को भी RTE के तहत 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रतापगढ़ जालोर राजसमंद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। NSS, NCC एवं गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। EWS परिवारों को चिरंजीवी योजना का लाभ मिल सकेगा। 500 अतिरिक्त एम्बुलेंस का ऐलान किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में। आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम लागू की जाएगी। 100 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है बजट में। गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का भी गठन किया जाएगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट मिलेगी। इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट से महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का ये फैसला लिया है। इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा, जिसकी संख्या 2000 होगी। 8000 आंगनबाड़ी व 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। जयपुर में नए एयर कार्गो की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ की लागत से सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा कानून लाने का भी प्रस्ताव है इस बजट में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को न्यूनतम 1000 रुपए दिए जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आखिरी बजट में युवाओं, महिलाओं सबको आकर्षित करने के लिए एक बजट पेश किया है। अब खैर, आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दोबारा सत्ता में वापसी करा पाएगी।